आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। ये अवार्ड ने इस तरीके से फेंक रहा था और उसको इस तरीके से मार रहा था कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं भी आपको रैली में राहुल गांधी का स्वागत करते नहीं दिखे। जितेंद्र रावत ने उसको नीचे उतारा और वो स्कार्फ उसके आंख पे फेंक दिया। तो ये जो जितेंद्र रावत है, ये किसी का नहीं है, बाकायदा राहुल गांधी ने उसको, जितेंद्र रावत को कहा, आप यहाँ मत इसको मारिए, आप जो हमेशा की तरह बंगले पर लेके जाके लोगों को मारते हैं ना, उस तरीके से मारो। उस पर इतना गुस्सा रहा है कि उसको आमदार बोलने को भी शर्म आ रही है। आज खुला दिख रहा है कि गंदी गालियां दे रहे हैं, उसमें आके इस नीच इंसान पे FIR करवाइए कि राहुल जी आपने क्या कहा कान में, क्यों ने ऐसे इंसान को उतारा गाड़ी से। मैं सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज मुमरा पहुंची थी सुबह करीब 10:30 के आसपास में, लेकिन इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो को लेकर पूर्व नगर सेवक राजन की ने, रिदा रशीद और बौद्ध समाज के तमाम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। दरअसल जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के अनुसार जो उसमें दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी जिस जीप पर है उसी जीप पर जितेंद्र अवार्ड भी हैं और कोई शख्स है जो उन्हें ब्लू कलर का मफलर देता है, जो बौद्ध समाज में पहना जाता है, गले में पहनते हैं, उस मफलर को राहुल गांधी को देते हैं और राहुल गांधी वो मफलर पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो मफलर जितेंद्र अवार्ड को दिया गया तो वो मफलर जितेंद्र अवार्ड जो है फेंक रहे हैं, ऐसा वीडियो में दावा किया जा रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं। हालांकि वीडियो में भी मफलर जो है वो ब्लू कलर का वो फेंकते हुए जितेंद्र अवार्ड नज़र आ रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं। हालांकि विरोधियों का दावा है कि वो अपशब्द उस शख्स को कह रहे हैं और राहुल गांधी जितेंद्र अवार्ड को खामोश भी करते हुए उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद बौद्ध समाज के लोगों का कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और राजन की ने, बौद्ध समाज के लोग और रिदा रशीद मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन सीनियर PI जो है मौजूद नहीं थे, तो अन्य पुलिस कर्मियों से बातचीत हुई और उन्होंने लिखित में लेटर देने को कहा है और राजन किने का कहना है कि सीनियर PI आएंगे तो उनसे मुलाकात की जाएगी। और जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ जो है का इनका कहना है कि एट्रोसिटी के तहत उन पर FIR दर्ज की जाए। हालांकि वीडियो जो है वो हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं, ये वो वही वीडियो है जो सामने आई है। हालांकि इसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन शख्स है जो मफलर, जिसके ऊपर जितेंद्र अवार्ड थोड़ा गुस्से में है और मफलर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं, ऐसा दावा है कि ये अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि दरअसल वो कह क्या रहे थे और राहुल गांधी जो है उन्हें समझा रहे हैं। यही वो वीडियो है जिसको लेकर आज तमाम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और FIR दर्ज करने की मांग की है। राजन की ने, रिदा रशीद और बौद्ध समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज मुमरा में एक फ्लॉप शो हुआ था सुबह में 10:30। उस फ्लॉप शो में हर बार जो हमारे दलित बांधव रहते, आपको याद होगा कि जब एक झूठा 354 दाखिल कराया था, झूठी केस हुआ था, तो उसको झूठा साबित करने के लिए केस 354 जो केस दाखिल हुआ था उसको झूठा साबित करने के लिए यहाँ के हमारे जो दलित बांधव थे
उन्होंने मुमरा में मुमरा बंद, टायर जला, मुमरा पुलिस स्टेशन में आंदोलन, इतना सारा ये किया था कि उसका कोई ये नहीं था। आपको बताऊं, आज जो मुमरा में राहुल गांधी जी आए थे तो उनकी रैली में ये जो हमारा मफलर है, हमारे बांधव का ये जो मफलर है, ये अवार्ड ने इस तरीके से फेंक रहा था और उसको इस तरीके से मार रहा था। ये जो रैली राहुल गांधी ने निकाला है उसको पूरा मुमरा में जब इसने लाया इसको रैली को, ये रूट में रैली नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं भी ये जो कांग्रेस वाले या मुमरा में जो रैली में उपस्थित होना चाहते थे वो नहीं हुए, उसकी वजह से वो शो फ्लॉप शो हुआ। क्यों हुआ? कि ये नेता जो राहुल गांधी, ये हमारा नेता है, ये हमारे कांग्रेसियों का नेता है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना था। इसके लिए अगर ये जितेंद्र आवाड़ इस रैली को लीड करेंगे तो हम उस रैली में नहीं जाएंगे, और इसकी वजह से मुमरा में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं भी आपको रैली में राहुल गांधी का स्वागत करते नहीं दिखे। आप अगर उसके आगे जाएंगे तो कलवा जो सर्कल है उस सर्कल के आगे से वहाँ आप भीड़ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि राहुल गांधी को यहाँ लाने के लिए जो जितेंद्र आवाड़ ने झूठी सिंपत्ति लेने का एक कोशिश किया था, झूठा कोशिश किया था, तो वो उसका फेल हो चुका है। और एक हमारा दलित कार्यकर्ता, उसको जब ये स्कार्फ दे रहा था राहुल गांधी ने तो पहन लिया था, लेकिन जब जितेंद्र आवाड़ को देने के लिए और ये किया था तो जितेंद्र आवाड़ ने उसको नीचे उतारा और वो स्कार्फ उसके आंख पे फेंक दिया। उसका मैं निषेध करता हूँ। वो हर बार ये बात करता है कि मैं संविधान बचाने के लिए, हम लोग संविधान बचना चाहिए देश का। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितेंद्र आवाड़ है यहाँ पर मुमरा में जो उसका रवैया था, हर बार उसका जो रवैया था हर बार की तरह इस बार भी था, जो कार्यकर्ताओं को इस बार से जैसे कि राहुल गांधी भारत जोड़ यात्रा, जितेंद्र आवाड़ का एक ही ये है कि कार्यकर्ता जोड़ो यात्रा। तो ये जो जितेंद्र आवाड़ है ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए सब ये काम कर रहा है। ये काम तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये अपनी वाहवाही के लिए सब ये मगजमारी करता है। दादा, जो आप कह रहे हैं कि जितेंद्र आवाड़ ने ये जो हमारा मतलब है ये फेंका और मारने के लिए दवा, तो इसका कुछ वीडियो वगैरह है आप? हाँ, वो वीडियो है, वो वीडियो बताएंगे आपको और मैं आपको वो वीडियो देता हूँ मैं आपको। और बाकायदा राहुल गांधी ने उसको जितेंद्र आवाड़ को कहा कि जितेंद्र आवाड़ जी आप यहाँ मत इसको मारिए, आप जो हमेशा की तरह बंगले पर लेके जाके लोगों को मारते हैं ना, उस तरीका अपनाओ, यहाँ मेरी रैली में मत मारो, ऐसा राहुल जी आप पीछे मुड़ के उनको बता रहे, तो वो शांत हो गए उस वक्त। हाँ, पुलिस स्टेशन में आए थे सीनियर साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब नहीं है अभी, उन्होंने कहा है कि आप एक लेखी आपका जो निवेदन है, जो भी आपका कंप्लेंट है वो लेखी लाके दीजिए, उसके ऊपर हम लोग पूरा ये करके वो वीडियो दीजिए और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता वो हमारे दलित बांधव थे, दूसरे थे, लेकिन ये जो स्कार्फ जो फेंका गया ऐसा, तो उसकी वजह से ये हमारे दलित बांधवों में उनकी भावना दुखी हुई। क्या बताया जा रहा है कि कुछ वीडियो सामने आया जिसमें जितेंद्र आवाड़ जो है वो जो ये मोकलर है टैग नेम का, ये देख रहे हैं और मारने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। आज जैसे वीडियो देखा, दादा ने सब कुछ बोला ही है, वीडियो देखने के बाद जो बुरा लगा या फिर वो जो आदमी ने किया है उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको आमदार बोलने को भी शर्म आ रही है। आज जब एक विनय भंग किया था उसने, जब 354 केस बना, उनके कार्यकर्ताओं को मेरे को पूछना है वो कहाँ है। वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है उनका ज़मीर जगेगा और वो लोग ही आके उस पर FIR करेंगे। तो 354 केस बनने के बाद आपने देखा होगा मुमरा में किस तरीके से माहौल किया, 14 दिन का आंदोलन किया था एक झूठा केस यहाँ पर डालने के बाद, रिधा रशीद को अरेस्ट करो। आज वही रिधा रशीद बोलती है आज इन्होंने दलित जिन लोगों का दिल दुखाया है, और जिस तरीके से उन्होंने वो मगल खींच के, वो पता नहीं कौन भाई था या कहां से था, उसको जो मारने की कोशिश की और गंदी गालियां
खुला दिख रहा है कि गंदी गालियां दे रहे हैं उसमें। तो आज मैं जितने भी यहाँ आंदोलन पे बैठे थे उनको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सच हो, आपने उस टाइम पैसा नहीं खाया है, आपने सच्ची FIR किया है, आज आइए आगे और आके इस नीच इंसान पे FIR करवाइए। और मैं राहुल गांधी जी को बोलना चाहूँगी कि राहुल जी आपने क्या कहा कान में, क्या कहना था आपका कान में? जैसे दादा ने कहा कि बिल्कुल आपकी छवि ऐसी है कि आप बंगले पे सब करते हो, यहाँ मत करिए मेरे सामने। तो राहुल गांधी जी को इतना अगर लगा या रोका तो राहुल गांधी जी ने ऐसे इंसान को गाड़ी से क्यों नहीं उतारा? अगर संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को ये बुरा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं ऐसे इंसान को उतारा गाड़ी से कि नहीं आप इस गाड़ी में खड़े नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप संविधान बनाने वाले के कार्यकर्ता और ये जो ये है हमारा पट्टा, ये जो झंडा है आप उसके साथ कर रहे हो। तो मुझे लगता है उनके साथ साथ जिन्होंने जितने लोग थे गाड़ी में उन पे भी केस बनना चाहिए, उन्होंने भी उतना ही अपमान किया हमारे झंडे का। और वो सा जो सामे कार्यकर्ता था और जो जो भावुक हुआ है, तो उस तरीके से हमारे भाई आए हैं सामे, तो मुझे लगता है आइए जितने लोग थे आंदोलन में उतने लोग आज आइए और आके यहाँ पर साथ दीजिए और बता दीजिए कि उस टाइम हमने अगर सही को साथ दिया था तो आज भी हम सही को साथ देते करके मैं राह देखूँगी कौन आके FIR बनवाता है और कौन इस इंसान को तमाचा देता है। क्या नाम है आपका? लव अटकर, जय भीम। आप लोग आए थे पुलिस स्टेशन में, अभी क्या पूरा मामला है? जिसका से बताया जा रहा है कि वीडियो कोई है उसमें कुछ बताया जा रहा है, तो आपने देखा है वीडियो? हमने वीडियो देखा, उसके अंदर हमारा मफलर जितेंद्र आवाड़ साहब ऐसा फेंक रहे और एक तरफ जितेंद्र आवाड़ साहब संसद भवन में जय 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 भीम करके नारे लगाते और एक तरफ हमारा मफलर फेंकते, इसका हम लोग क्या मतलब समझे, इसका हम क्या मतलब समझे? ये जय भीम वाले के साथ में है क्या, इनके विरोध में है? तभी क्या मांग है आपसे? हमारी ये मांग है कि उनके ऊपर अट्रोसिटी का गुनाह दाखिल किया जाए। पुलिस ने क्या कहा आपसे? अभी तो सीनियर PI है नहीं, हम गए थे उनसे मिलने के लिए, अभी शाम में आएंगे तो हम मिलेंगे उनसे, पत्र व्यवहार करेंगे और उनके ऊपर अट्रोसिटी का गुनाह की मांगनी करेंगे।